मेरा नाम ममता है और मैं रहने वाली गढ़वाल उत्तराखंड से हूँ। फिलहाल मैं देहरादून में काम कर रही हूँ। मेरे घर में 3 बहनें हैं और मेरे मम्मी पापा हैं। जब मैं ग्रेजुएशन करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में गई तो मैं लिटरेचर पढ़ रही थी। लिटरेचर पढ़ने के दौरान मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ ऐसा कोर्स करना चाहिए जिसमें मुझे कम्युनिटी और लोगों के साथ उनके बीच में जाके काम करने को मिले। तो उसी समय मुझे मेरे एक दोस्त से पता चला अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी के बारे में, तो मैंने वहाँ पर अपने को डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करा। यूनिवर्सिटी जाने से पहले मैं बहुत कंफ्यूज थी क्योंकि मुझे ये कोर्स के बारे में कुछ पता नहीं था। डेवलपमेंट अपने में ही एक नया सब्जेक्ट है और पेरेंट्स भी मेरे काफ़ी सपोर्टिव नहीं थे क्योंकि उनको इस एजुकेशन और डेवलपमेंट फील्ड के बारे में ऐसे कोई आइडिया नहीं था। सो चली तो मैं गई वहाँ पर बिल्कुल डाउटफुल माइंड लेके, लेकिन जब वहाँ पर मेरी पढ़ाई शुरू हुई तो मुझे देखने को मिला और बहुत सीखने को मिला। मेरे प्रोफेसर से लेके मेरी क्लासेस, मेरे फ्रेंड्स ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस, बहुत सारी लर्निंग्स थी, बहुत लर्निंग हुआ, मैंने सीखा। तो मुझे चिराग नामक एक संस्था जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पर मैंने रह के एक साल काम किया, जहाँ पर मैंने उनके साथ जल समितियों में काम किया जहाँ पर हम जल संरक्षण की के ऊपर काम कर रहे थे। मैं अभी देहरादून में लगभग 2.5 साल से काम कर रही हूँ IIMPACT नामक एक संस्था के साथ। IIMPACT में हम गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं देहरादून में लगभग 72 लर्निंग सेंटर्स के साथ काम कर रही हूँ। ये लर्निंग सेंटर्स हमारी सिर्फ लड़कियों के एजुकेशन के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं और ये जो कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी सोशली और इकोनॉमिकली काफ़ी मार्जिनलाइज्ड है। कुछ हमारी कम्युनिटीज़ यहीं पर ही गांव वाले हैं जो कि बहुत मोटिवेटेड नहीं होते हैं अपनी बच्चियों के एजुकेशन को लेके। यहाँ पर जो मेरी बच्चियाँ साथ में पढ़ती हैं स्कूल में एनरोल्ड हैं, कुछ मदरसाज में एनरोल्ड हैं और कुछ स्कूल जाने वाली नहीं हैं। तो हम लोग ये जो लर्निंग सेंटर चलाते हैं ये आफ्टर स्कूल और आफ्टर मदरसा चलाते हैं 2 बजे के बाद। बेसिकली एक ऑल्टरनेटिव क्लासरूम है इन 30 लड़कियों के लिए साथ में आने के लिए। उनके गांव से ही एक हम टीचर, जो उनकी दीदी होती है, जो उनकी बाजी होती है, उनको उनकी टीचर बनाते हैं। वो टीचर को हम टीचर ट्रेनिंग के थ्रू बताते हैं कि पढ़ाई कैसे जाता है, उनको कुछ स्किल्स देते हैं, कुछ मॉड्यूल्स देते हैं जिसके अराउंड वो अपने बच्चों के साथ काम करते हैं। इस काम के थ्रू हम लोग कोशिश करते हैं कि हम कम्युनिटी के ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन रखें। कम्युनिटी मतलब यहाँ पर उनके पेरेंट्स, बच्चियों के पेरेंट्स जिनसे हम हर दिन मिलते हैं, इन पेरेंट्स से हम हर दिन मिलते हैं, इनसे फीडबैक लेते हैं, इनके बच्चों की प्रोग्रेस के बारे में इनसे डिटेल में डिस्कशन करते हैं। यहाँ चोई में हमारा एक बालिका शिक्षा कार्यक्रम का केंद्र है जिसमें बच्चे 30 बच्चियाँ आके पढ़ती हैं। तो आज जो हमारे यहाँ पर साथ में हो रहा है वो एक केंद्र प्रबंधन समिति हमारी जो होती है उसमें हम एक मासिक मीटिंग करते हैं पेरेंट्स के साथ, जिसमें पेरेंट्स आते हैं और अपने बच्चों के साथ जो सेंटर्स में बच्चे सीख रहे हैं, जिस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जा रही है पढ़ाने के लिखाने में, उसके बारे में बातचीत करते हैं। क्या बच्चे कुछ सीख पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी स्कूल जा रहे हैं लेकिन उनके कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं है। हमने बच्चों के साथ एक गणित का वर्कशॉप किया था क्योंकि हम लोग प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं, 1 से 5वीं तक की बच्चों को बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हम लोगों ने बेसिक आकृति के कुछ मॉड्यूल्स करवाए, संख्या चक्र करवाया, बच्चियों को को क्लासेस में जो उनके लर्निंग सेंटर्स में होता है उनके टीचर्स ने उनको ये मॉड्यूल्स में हेल्प किया। तो ये मॉड्यूल्स को हमने उनके पेरेंट्स के सामने एक छोटा गणित बाल मेला करके दिखाने की कोशिश की है। तो आज जो यहाँ पर मीटिंग हुई थी उसमें हम लोगों ने पिछले हफ्ते एक मैथ्स मॉडल वर्कशॉप किया था बच्चों के साथ, जिसमें बच्चों ने खुद अपने कबाड़ से जुगाड़ करके खुद से अपने सेंटर्स में कुछ मॉडल्स बनाए थे। तो आज वो मॉडल्स हम लोगों ने पेरेंट्स को दिखाए कि मॉडल्स के थ्रू बच्चे किस तरीके से सीख रहे हैं, क्योंकि वो खुद से बना रहे हैं, खुद से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और खुद से सीख भी रहे हैं। आज पेरेंट्स को दिखाया गया वो मॉडल्स और क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक छोटा सा बाल मेला हम लोग इसी कम्युनिटी में करें, तो उसकी भी हम लोगों ने योजना तैयार की है। जो बच्चे सेंटर्स में पढ़ते हैं उन्होंने जो पढ़ा है आकृतियों का, कुछ गेम्स भी हैं, कुछ संख्या चक्र है, जो पढ़े हैं उनके उन्होंने मॉडल्स बनाए हैं पिछले एक हफ्ते में। तो आज वो आप लोगों के बीच में रह के ये बताना चाहते हैं कि मॉडल्स के जरिए उन्होंने क्या क्या सीखा है। तो जब ये काफ़ी सारे पेरेंट्स एक साथ आते हैं और अपनी बच्चियों को डेमोन्स्ट्रेट करते हुए देखते हैं कि ये मॉडल मैंने बनाया है, इस मॉडल का मतलब ये है, इससे हम ये सीखे हैं, तो वो पेरेंट्स भी काफ़ी
खुश होते हैं और काफ़ी संतुष्ट होते हैं कि वो पढ़ सकते हैं और बच्चे हमारे लिख सकते हैं। हम लोग हर महीने पेरेंट्स से, अभिभावकों से मिलते हैं और बच्चों की जो डेली प्रोग्रेस है, जो मंथली प्रोग्रेस है, वो उनसे शेयर करते हैं। इसके थ्रू पेरेंट्स भी हमारे प्रोग्राम से काफ़ी जुड़े रहते हैं, क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ। मैंने खुद से ही अपने स्टेट में बहुत सारा पलायन देखा है, माइग्रेशन देखा है लोगों का, अपने छोटे स्टेट से जाके किसी बड़े सिटी में जाके कोई बड़ा कॉर्पोरेट जॉब करते हुए। मेरे को ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट फील्ड में या सोशल फील्ड में आके आपको अपने रूट्स में रह के बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं इसी सेक्टर में रह के आगे काम करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत सैटिस्फाइंग लगता है खुद ही, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें आगे थोड़ा और टाइम कंट्रीब्यूट करना चाहूँगी काम करके, क्योंकि किसी भी काम को दो साल में या ढाई साल में सिर्फ समझा ही जा सकता है, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन आप दो या तीन साल के बाद ही लग के आ सकते हो। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा लॉन्ग टर्म प्लान जो होगा वो इसी फील्ड में रह के अपने स्किल्स बिल्ड करना और लोगों की किस तरीके से मैं अपने ज़रिए मदद कर सकती हूँ या उन तक पहुँच सकती हूँ, मेरी कोशिश सिर्फ यही रहेगी।